स्टेशन रोड विकास समिति की ओर से एक ज्ञापन नगर आयुक्त कार्यालय में हस्तगत कराया गया। ज्ञापन में शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञापन में कहा गया कि भीषण सर्दी का प्रकोप चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड सता रही है, इसीलिए स्टेशन रोड पर कम से कम 3 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो वहीं उन्होंने अवगत कराया कि स्टेशन रोड पर सिर्फ एक ही टॉयलेट है, जिसके कारण राहगीरों को खासी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट के लिए विकास समिति जगह उपलब्ध करा देगी। इसी के साथ अन्य मांग भी शामिल रही, जिसमें कहा गया कि खुशहाल नगर से न्यू खुशहाल नगर तक सड़क का निर्माण कराया जाए, मुख्य मार्ग में जगह जगह सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं, उसका सुधार करवाया जाए, डिवाइडर की टाइलें नई लगवा कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया जाए, स्टेशन रोड की कुछ लाइट खराब है उन्हें ठीक करवाया जाए, बुद्ध बाजार चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में हरीश भसीन, आरडी चतुर्वेदी, सतीश नरुला आदि लोग मौजूद रहे। स्टेशन रोड की समस्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं स्टेशन रोड विकास समिति की ओर से। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि एक तो सर्दी बहुत चल रही है, तो स्टेशन रोड पे कम से कम 3 अलाव जलाए जाए, जिससे गरीबों को रात को राहत प्रदान हो सके। दूसरा, पूरे स्टेशन रोड पर एक ही पेशाबघर है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, 2 पेशाबघर और बनाए जाएं, जगह उनको हम उपलब्ध करा देंगे। स्टेशन रोड की कुछ लाइटें खराब हैं, उन्हें ठीक कराया जाए। बुद्ध बाजार चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखने की कृपा करें। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम लोग हमेशा से स्टेशन रोड की जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर उठाते रहे हैं और आगे भी इसके बारे में अपना प्रयास जारी रखेंगे।